जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ये है लाइजर मोबिलिटी का लाइजर एक्स और लाइजर एक्स प्लस, और ये इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पहले ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो 150 किलो तक के दो राइडर को अपने आप ऑटो बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 3 साल पहले इन्होंने अपने एक वीडियो डाला था। ये IIT के एलुमनाइज हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पहले दिखाया था। अब ये फाइनली ऑटो एक्सपो 2023 में अपना लाइव मॉडल लेके आए हैं। फिलहाल इनकी वेबसाइट पे प्री ऑर्डर इंटरेस्ट भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ जाके बुकिंग कर सकते हैं। लाइजर एक्स की कीमत है करीब 90,000 रुपये इंक्लूडिंग FAME II सब्सिडी। इसमें कोई भी RTO चार्जेस और सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं जैसे कि इंश्योरेंस। वहीं लाइजर एक्स प्लस की कॉस्ट अभी अनाउंस नहीं की गई है। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो मेन डिफरेंस है वो रेंज का है। 100 किलोमीटर की रेंज है लाइजर एक्स प्लस की, वहीं लाइजर एक्स की रेंज 60 किलोमीटर है। ये रियल वर्ल्ड रेंज है। इसके बाद जो लाइजर एक्स है उसका जो है LCD डिस्प्ले दिया गया है उसमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। वहीं लाइजर एक्स प्लस में TFT बड़ा डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इंक्लूडिंग नेविगेशन। लेकिन नेविगेशन का फीचर लाइजर एक्स में नहीं दिया गया है, वो सिर्फ लाइजर एक्स प्लस में अवेलेबल है। अगर बैटरीज की बात करें तो दोनों बैटरी जो स्वैपेबल हैं वो लिक्विड कूल्ड हैं। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेल बैलेंसिंग है, थर्मल रनवे प्रोटेक्शन है, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाई गई हैं, और इनका जो रोबस्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी इंप्रेसिव लगा जो उन्होंने मुझे बताया था। और लाइजर एक्स प्लस में आपको नेविगेशन से लेकर इनकमिंग कॉल अलर्ट तक के सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अभी उसकी प्राइस अनाउंस नहीं की है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने आप को बैलेंस रखने के लिए जायरोस्कोपिक प्रिंसिपल का यूज़ करता है और इसकी एडवांस एल्गोरिथम्स इसको अपराइट मेंटेन रखती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल होगा, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि उसमें मोमेंटम वगैरह की डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है जो जायरोस्कोप के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट फीचर जो उन्होंने बताए वो ये हैं। एक तो आप गाड़ी को जब चाहे रोक सकते हैं, आपको पैर नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे ये कहते हैं फुट फ्री स्टॉप। दूसरा है रिवर्स राइड, आप कार की तरीके से स्कूटर को आराम से बिना पैर के कोई भी एक्शन लिए आप आराम से बैक कर सकते हैं थ्रॉटल की ही मदद से। और तीसरा फीचर है दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर सीख रहे हैं या नॉर्मल स्कूटर सीख रहे हैं तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप आराम से सीख सकते हैं क्योंकि ये गिरने का डर नहीं रहता है इसमें, और आराम से इसको राइड करके ट्रेनिंग लेने के लिए इन्होंने एक स्पेशल मोड दिया है लर्न टू राइड। ये 3 मोड ऐसे हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं हैं और ये पहली स्टार्टअप है जिसने ये सारी चीज़ें दी हैं। अब दोस्तों मुझे क्या नहीं पसंद आया, वो मेन चीज़ ये थी कि इनके स्कूटर का डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, एक चाइनीज़ काउंटर पार्ट की तरीके से दिखता है। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी अच्छे लुक वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में आए तो इनका भविष्य काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये मेरी एक जनरल पर्सपेक्टिव राय है, आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट में। अगर इसको लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर छोड़ें। जय हिंद ईवी लवर्स।